हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, कक्षा 7 का मैथ्स करेंगे बच्चों आज, और चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं राशियों की तुलना। तो इसी चैप्टर को हम आज देखेंगे, समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। राशियों की तुलना। तो स्टूडेंट्स, राशियों की तुलना मतलब कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो ये है स्टूडेंट्स राशियों की तुलना। अब बच्चों, इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले सीखते हैं कि भाई राशियों की तुलना क्या होती है, कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तीन किलोमीटर का क्या है ये? 3 किलोमीटर का तीन सौ मीटर से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये चीज तो आपने पिछली कक्षा में भी सीखी है और इजीली मुझे लगता है आप बता पाएंगे। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे आप। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का अभी तक आपको आंसर कर देना चाहिए। अनुपात ही तो निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा अनुपात निकालने के लिए? ये चीज आपने जब रेशियो वाला चैप्टर किया होगा तो सीखा होगा कि भाई दो चीजें अगर आपको दी गई हैं तो पहले उनको एक ही इकाई में लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों दूरियों को पहले एक ही इकाई में लिखेंगे। जैसे 3 किलोमीटर है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 × 1000, ऐसे ही होगा ना। इसको मैं बिल्कुल डिटेल में हम करते हैं, 3 × 1000 मीटर, ये हो जाएगा 3000 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें जो दूसरा हमारे पास है वो है 300 मीटर, है ना, 300 मीटर। इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो 3 किलोमीटर का 300 मीटर से निकालना है अनुपात। तो क्या कर सकते हैं आप, 3 किलोमीटर का अनुपात 300 मीटर से निकालेंगे, 3000 हो गया, हमें 300 मीटर चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हैं बच्चों, 3 किलोमीटर की जगह 3000 मीटर बटे 300 मीटर, यही अनुपात निकलेगा। तो देखिए, कैंसल आउट कर दीजिए और ये 10 बच जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 10 अनुपात 1, इस तरह से करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे आपको बताना है क्या अनुपात एक अनुपात दो अनुपात दो अनुपात तीन के तुल्य है। तो आपको
ये चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि क्या ये दोनों तुल्य हैं। तो कैसे आप बताएंगे, जांच करना पड़ेगा हमको, है ना, जांच करना होगा कि क्या एक बटे दो। तो हमको इस यहाँ पे जांच करना पड़ेगा कि क्या एक बटे दो बराबर है दो बटे तीन के, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो हमें कैसे करना पड़ेगा भाई, हम कोशिश करेंगे कि इसके जो डिनोमिनेटर हैं उनको सेम करें। बच्चों अगर आपने फ्रैक्शंस चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, फ्रैक्शंस जो भिन्न वाला चैप्टर है वो पढ़ा है, तो उसमें हमने सीखा था कि भाई जो भिन्नों भिन्न हैं उनको इक्वल कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उनको सेम बनाते हैं हम, जो कि हर हैं उनको सेम बनाते हैं। चेक करेंगे और फिर हम बताएंगे कि अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये तुल्य अनुपात है, नहीं तो नहीं होंगे। एक बार ट्राई करेंगे आप। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इन दोनों को चेक करने के लिए, एक बटे दो है इसको आप किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और फिर है हमारे पास दो बटे तीन, इसको भी आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें दोनों का जो डिनोमिनेटर है हर है वो सेम आ जाए। तो हम बताइए दो को कितने से मल्टीप्लाई करें और तीन को कितने से मल्टीप्लाई करें कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो दो का अगर टेबल देखेंगे तो दो तिया छह होता है, है ना, और तीन का टेबल देखेंगे तो तीन दूनी छह होता है। तो दोनों छह पे ये आके यहाँ पे पता लग जाता है इक्वल होंगे। नहीं तो एक और ऑप्शन है आपके पास, एलसीएम लेके आप देख लीजिए, दो और तीन का एलसीएम जो आएगा वही आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो एलसीएम अगर देखेंगे तो ये दो इंटू तीन छह ही आएगा, है ना। तो आपको पता है कि भाई ये दोनों छह पे बराबर होंगे। अब अगर दोनों के डिनोमिनेटर बराबर आ गए तो देखते हैं न्यूमरेटर क्या आते हैं। तो हमें न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए जिस संख्या से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है सेम संख्या से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीन एकम तीन आ गया और दो दुनी चार आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि भाई तीन बटे छह बराबर नहीं है चार बटे छह के, ये पता लग गया हमें, तीन बटे छह चार बटे छह के बराबर नहीं है। तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा बताइए मुझे, इनमें से तीन बटे छह छोटा है चार बटे छह से, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोल सकते हैं, अर्थात एक बटे दो छोटा होगा दो बटे तीन से, ठीक है। तो अनुपात एक अनुपात दो और दो अनुपात तीन तुल्य नहीं है, ये आप लिखेंगे, है ना। अतः यही तो पूछा गया था कि क्या ये अनुपात तुल्य हैं, तो ये तुल्य नहीं है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। बच्चों एक क्वेश्चन और करेंगे हम,
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक मानचित्र 1000 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से दर्शाते हुए बनाया गया है, मतलब अगर एक्चुअल में 1000 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 1000 किलोमीटर की अगर ये दूरी है तो मानचित्र बनाया गया है और इसमें 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दी हमने, 2 सेंटीमीटर लंबी हमने लाइन खींच दी, तो ये दर्शाता है 1000 किलोमीटर को, इस 1000 किलोमीटर को ये 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन दर्शाती है एक मानचित्र में। तो आपको क्या बताना है, यदि दो स्थानों के बीच की दूरी मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर है तब उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी, ये आप यहाँ पे बताएंगे। तो एक बार ट्राई करेंगे आप इसको सॉल्व करने की, जल्दी से आंसर बताएंगे आप। देखिए बच्चों, ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे एक तरीका है जो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, कैसे कि भाई जो दूरी है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, माना कि दूरी जो हमें निकालनी है उसको x किलोमीटर मान लेते हैं हम। फिर हमें पता लगा कि भाई 1000 किलोमीटर रेशो एक्स बराबर है कितना होना चाहिए, भाई जब 1000 किलोमीटर डिस्टेंस है तो उसको 2 सेंटीमीटर से दिखाया गया है और एक्स किलोमीटर डिस्टेंस है तो उसको 2.5 सेंटीमीटर से दिखाया गया है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर से दिखाया गया है। तो x की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, इसको 1000 बटे x बोल सकते हैं, बराबर है 2 बटे 2.5 यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकाल देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1000 इंटू क्या करना पड़ेगा हमें, दो दशमलव पांच बराबर है 2 इंटू एक्स, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एक्स को दूसरी तरफ ले गए और 2.5 को दूसरी तरफ ले गए। उसके बाद हम 2 को भी इस तरफ ले आते हैं तो एक्स कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 2.5 बटे 2। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये 500 आ जाएगा और 500 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आप 10 लगा सकते हैं और उसके बाद 25 इंटू 5 125 10 एज इट इज, तो इतना किलोमीटर आ गया। ये x का मान हमें निकालना था, x का मान हमने निकाल दिया है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लो। अब स्टूडेंट्स बहुत ही एक सिंपल तरीका है, ठीक है, सिंपल तरीका कैसा है देखिए, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। 2 सेंटीमीटर जो है, मुझे बताइए 2 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को दर्शाता है, तो 2 सेंटीमीटर दर्शाता है 1000 किलोमीटर को, 2 सेंटीमीटर दर्शाता है 1000 किलोमीटर को। तो अतः 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को दर्शाता है, ये दर्शाता है भाई 1000 बटे 2 किलोमीटर को, भाई मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया 1000 को, भाई 2 सेंटीमीटर अगर 1000 किलोमीटर को दर्शाता है तो 1 सेंटीमीटर 1000 बटे 2 किलोमीटर को दर्शाता है और हमें निकालना है 2.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को दर्शाता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर दर्शाता है 1000 बटे 2 गुना 2.5 किलोमीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए वही आ गया, ये 500 और 500
एक जीरो हम यहाँ से और काट देंगे और 25 × 5 125, जीरो का 0 किलोमीटर 1250 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों हमने चैप्टर के कुछ क्वेश्चन किए हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी राशियों की तुलना। तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन किए हैं अच्छे से आप उनको रिवाइज करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आप पहले कर चुके हैं या तो पिछली क्लास में या फिर इसी क्लास में बाकी पिछले चैप्टर्स में। तो बच्चों उनको अच्छे से आप एक बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आपका इस चैप्टर के लिए बेस रेडी हो जाएगा और आप आगे के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चों रिवाइज जरूर करना घर जाके। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।